हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। नाज़रीन, आजकल के हालात आपको पता है, बहुत सियासी हलचल मची हुई है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा सियासी मैदान जो है बड़ा गर्म हुआ हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना, नाज़रीन आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे, तो क्यों ना आज एक सियासी शख्सियत को इनवाइट किया जाए और उनसे पूछा जाए, भाई उनको याद दिलाया जाए। बहुत सारे वादे किए जाते हैं आवाम से, तो क्या वजूहत है, क्यों पूरे नहीं हो पाते। तो आज की जो गेस्ट हैं हमारी, वो बड़ी ही हमारी एक प्यारी हमारी ट्रांस एलाए हैं और सबसे मज़े की बात है 19 साल से एक ही पार्टी में होना, बड़ी कमिटेड एंड लॉयल लीडर हैं और हिस्ट्री में, PTI की हिस्ट्री में जो फर्स्ट MP वुमेन थी वो ये सिलेक्ट हुई थी। और इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी है टैक्सेशन और एक्साइज की, उसकी चेयरपर्सन हैं और अलहमरा में बाबे पाकिस्तान की डायरेक्टर हैं, LDA की डायरेक्टर हैं और इसके अलावा पावर ऑफ एनर्जी की डायरेक्टर भी हैं और सबसे मज़े की बात पंजाब प्रोविंशियल असम्बली की मेंबर भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं सादिया सुहेल राणा को। वेलकम मैम इन आवर शो। थैंक यू और बहुत शुक्रिया इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। नहीं, यू डिजर्व इट। और डिजर्व क्या, ये तो आपके मतलब आपने काम किए हुए जो हम बता रहे हैं, तो अभी तो बहुत सारे कामों का पता चलेगा नाज़रीन इस प्रोग्राम के दौरान और बहुत छुपी छुपी चीज़ें और बड़े डिफरेंट से सिचुएशन जो मैम की लाइफ में हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सिचुएशन से याद आया कि जो हमारा फर्स्ट राउंड है इसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आइए चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो मैम मतलब बहुत सारे लोगों की कहानी एंकर्स बताने लग जाते हैं, लेकिन मजा जब आता है कि आप अपनी कहानी वो फुल इमोशंस के साथ, वो रियलिटी के साथ और वो जो आपकी जिंदगी में ऐसे वाकयात आए हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, तो वो आप खुद जब बताते हैं तो ज्यादा पावरफुल होते हैं। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है। पता है क्या, आपकी जो अपनी कहानी होती है ना, आप में उसके अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने वो जो उतार चढ़ाव से जो आपकी ज़िंदगी में वो मुंसलिक होते हैं, तो उसको ऐसे बयान कर देना एक पेपर की तरह पढ़कर, तो वो उस पर वो इम्पैक्ट नहीं रहता। लेकिन जिसके साथ गुजरती है जब वो बताता है तो उसके दिल से वो निकलती है। तो जब आपकी हम स्टोरी देख रहे थे तो आपकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है। अभी तक नाज़रीन जितने भी गेस्ट आए हैं, मैडम की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। इनकी लाइफ में दो टर्निंग पॉइंट आए थे, हमने इंडियन ड्रामाज और मूवीज में तो देखे जैसे हमारा दूसरा जन्म हुआ है, तीसरा जन्म हुआ है, लेकिन वाकई इनके साथ ऐसा हो चुका है। तो लेकिन मैं चूंकि बताना नहीं चाहती, जिस तरह मैंने कहा कि जिनकी जिनके साथ बीतती है वो बताते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल और स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप बताएं वो कौन से दो टर्निंग पॉइंट थे जो आपकी लाइफ में आए और फिर उनसे आपने क्या सीखा, ये भी नाज़रीन को ज़रूर बताएं। अच्छा जन्नत, मेरी ज़िंदगी वाकई बिल्कुल बहुत हटके है नॉर्मल इंसानों से। हुआ ये कि जब मैं 8-9 साल की थी, तो पहले तो मैं जब 2.25 महीने की थी तो वालदा नहीं रही, तो एक वो बहुत बड़ा गैप था ज़िंदगी में, इतनी कम एज। हाँ वही ना। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा मेरी ज़िंदगी में। अब मैं 8-9 साल की हुई तो मेरे वालिद कराची होते थे, तो बस तबीयत ख़राब हो गई, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। तो आपकी टेक केयर कौन करता था? मेरी फुप्पो पहले। अच्छा। जब तक दादी हयात थी दादी करती थी। अच्छा। फिर हमारी फुप्पियों ने हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल जिंदगियों में प्ले किया। मेरे अब्बू नौ बहनों के इकलौते भाई और हमारी, हमें लगता था कि हमारी नौ माएँ हैं और इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह मेरी फुप्पियों से बहुत अटैच रहा। फिर बाद में शादी अब्बू की दूसरी हुई और उसमें हमारी वालदा आई, फिर उन्होंने देखा। तो बहरहाल उसमें ये हुआ कि मेरा अपेंडिक्स हुआ लेकिन डॉक्टर डायग्नोज ना कर सके। अपेंडिक्स मीनवाइल फट गया, 72 घंटे फटा रहा और दो हॉस्पिटल्स ने मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया। मैं बिल्कुल नाज़रीन देखें जरा मतलब और घर में जनाजा वगैरह पूरी फैमिली गैदर हो गई और मेरे जनाजे का तैयारियाँ, मैं चारपाई पर पड़ी हुई थी जैसे बॉडीज होती हैं, तो बस अबू का इंतज़ार हो रहा था कि अबू आएँ कराची से। तो अबू जैसे ही पहुँचे हैं तो सब बैठे हुए थे कि भई अब उठाना है, तो मेरे अबू ने मुझे उठाया और भाग गए। अब सब हैरान कि शायद बेटी की मौत के सदमे ने उनको ये इफ़ेक्ट किया।
कि वो उठा के भाग उठा के मुझे भाग के ना आपके फादर को कुछ फील हुआ क्या ब्रीदिंग आर यू ब्रीदिंग और समथिंग तब कुछ भी नहीं था ब्रीथ भी नहीं था सब कुछ ना और मैं बिल्कुल लाश की तरह फूल चुकी थी हर हरे रंग की हो चुकी थी क्योंकि जहर फैल गया था और वो बॉडी में और तो वो अबू उठा के भागे अबू के यहाँ पे उस हॉस्पिटल का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी CMH UCH है यहाँ गुलबर्ग में बहुत पुराना हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर्स भी होते थे हाँ वहाँ डॉक्टर बेंजामिन थे अमेरिकन डॉक्टर थे जिन्होंने आपका तो अमेरिकन डॉक्टर को भी नहीं पता चला कि उन्होंने देखा ना तो उन्होंने भी कहा पहले यही कहा कि शी इज़ नो मोर लेकिन मेरे वालिद साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि ये जिंदा ये है वो कहते हैं आपको इतना यकीन कैसे है दो नामी ग्रामी हॉस्पिटल ने मुझे डेथ डिक्लेयर किया था तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह ये है कि अगर ये मेरी औलाद है ये मरेगी ना तो मुझे यहाँ पता चलेगा मेरी यहाँ सुकून है कि ये जिंदा है तो मुझे इसको ये जिंदा है आप इस यकीन से देखेंगे ये जिंदा है वो उन्होंने जब देखा प्रॉब किया क्योंकि वो पानी भरने से जहर फैलने से और तमाम चीज़ों से कहीं पल्स थी भी ना तो वो बहुत डीप डाउन थी उन्होंने बहुत ढूंढ ढांड के उनको कहीं फील हुआ कि हाँ एक कोई पर्ल उनको ऐसे फील हुई तो उन्होंने कहा मैं फिर अब रिस्क लेता हूँ इसकी उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये कैसे बचेगी और इसके अंदर क्या क्या होगा और क्या नहीं क्या पता बस किसी एक कोने में पड़ी रहे मेरे अबू ने कहा मुझे नज़र तो आएगी ना पड़ी रहे मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है बहरहाल मेरी सर्जरी हुई मैं एक साल हॉस्पिटलाइज रही तो लोगों का क्या रिएक्शन था क्योंकि हम जरा छोटे वर्ड्स में करते हैं आपसे बड़ी बातें करते हैं हां लोगों का क्या था बस लोग के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और फिर खुशी भी थी कि बच गई हूँ मेरा बाउल सिस्टम पूरा आर्टिफिशियल है 6 मेजर सर्जरीज हैं और जिंदगी डॉक्टर के साथ दुआ भी करनी है आपने स्टोरी सुनने के साथ मैम के लिए और एक सेकंड वाकया जो लाइफ आफ्टर डेथ मैंने एक्सपीरियंस किया जिसमें मैं सेकंड टाइम जब मरी सेकंड एपिसोड में तीसरा जन्म अगर एक तो दूसरा जन्म हो गया तीसरा अगर कोई इंडियन ड्रामा होता ना तो कैमरा डन 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 हम पे पड़ता लेकिन वो तो मेरी से हंस तो नहीं हूं लेकिन अंदर से ये मुझे गूज बम्स है मतलब ये एक सेकंड टाइम सरवाइव करने का एक थर्ड डब स्टोरी आप बताने लगे और उसमें ये था कि मैं प्रेगनेंसी स्टार्ट था इतना पता नहीं था कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी थी बहुत ज्यादा उसमें आई एक्सपीरियंस के जान जैसे निकल रही है और मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी मेरे वालिद और मेरी सास मेरे साथ ही मेरा सेकंड बेबी था तो मैंने जान निकलते अपनी महसूस की और फिर उसके बाद कमरे की छत पे से मैं खुद को देख रही थी अब मैं कहा लो जी आए थे कम हो गया मैं गई तो मेरा बेटा छोटा सा था तो अब उधर से डॉक्टर बम कर रहे हैं मैं देख रही हूँ भाग रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है मैं कह रही हूँ मैं फिर अल्लाह मियाँ से बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ नहीं अल्लाह ताला मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी गई तो मैंने अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ना मैंने उसके साथ रहना है मुझे वापस जाना है मुझे वापस जाना है एक जंग थी उधर डॉक्टर कर रहे थे बॉडी पे मैं सब कुछ हम बातों में सुनते हैं कि हम कलाम होना लेकिन ऐसा होता है मैंने नियर टू डेथ जो एक्सपीरियंस है नियर टू डेथ तो ये उसमें काफी मैंने कुछ एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी मुझे आपकी वो डॉक्यूमेंट्री याद आ रही है कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंस में एक ऐसा टाइम आता है कि जब आप ऐसे आपको लगता है आप अल्लाह ताला से हम कलाम हाँ बिल्कुल और मैंने फिर लड़कर उधर उन्होंने मुझे वो बिजली के शॉक्स दिए ना हार्ट को तो उधर से मैं कलमा वो लास्ट स्टेज होती है हाँ वो मैं कलमा पढ़ी 30 सेकंड मेरा हार्ट बंद था मेडिकली क्लिनिकली मेरी डेथ थी तो मैं उठ के बैठ गई डॉक्टर भी डर गया तो वो मेरे अब्बू तब भी मेरे अब्बू पास थे मेरे अब्बू ने हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे कहते थे ये ठीक हो वापस आएगी वापस फिर मैंने सबको बताया कौन क्या कर रहा था तो सबको एक एक चीज डिटेल्स बताई बहरहाल लेकिन जन्नत मैंने इन तमाम चीज़ों से ना कंक्लूजन जिंदगी की रियलिटी मुझे ये पता चली कि जो फजूल की हम दौड़ मटेरियल दौड़े और कभी किसी को ज़ात बरादरी को इन चीज़ों पे एक खाम खा की फजूल चीज़ों में पड़े लाइफ और डेथ के दरमियान एक बहुत थिन लाइन है और एक सेकंड लगता है इधर से उधर जाने में और इसलिए जितनी जिंदगी मिली है ना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और लड़के हम जो गुजारते हैं फजूल है लेग पुलिंग करते हैं एक दूसरे के खिलाफ देखो जो जिसके हिस्से की इज्जत है अल्लाह ने उसको देनी देनी है ना उसे कोई छीन सकता है ना उसको कोई दे सकता है तो अगर आप बिलीव रखें ना और अल्लाह की ज़ात पे बिलीव मेरा जो आपने बिलीव करके मुझे लगता है आपके सारे सिनेरियो में सबसे स्ट्रांग जो बात है बिलीव आपको है। बिलीव था मैं कहूँगी तो ये अल्लाह मेरी सुनेगा और दूसरा ये कि यार डॉक्टर कहते थे सारी ज़िंदगी ये नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती नॉर्मल खाना नहीं खा सकती शायद बच्चे भी ना हो शायद ये भी ना हो
अल्लाह ने सारे काम करा दिए। जैसे आप सोचती हैं ना, क्योंकि देखें आप पॉजिटिव सोचती हैं, आप कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं अल्लाह से मांगूंगी वो मुझे देगा। और कहते हैं अल्लाह से जैसा गुमान रखो ना अल्लाह आपसे वैसे सलूक करता। तो मेरी बड़ी अल्लाह ताला से ना एक बड़ा स्ट्रेंज रिश्ता बन गया, अपने बाप से भी रूहानी तौर पर मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर, और अल्लाह से भी एक ऐसा बजाहिर मेरा गेटअप शायद उस तरह ना है, लेकिन और एक और चीज़ें भी हो गई इसमें मीनवाइल। आई डोंट नो वो इस एक्सपीरियंस से हुई या मेरी दादी में ये चीज़ें थी कि मुझे वो मखलूकात जो इंसानों को नज़र नहीं आती वो मुझे नज़र आती। ये नाज़रीन बहुत कम अल्लाह के प्यारे लोग होते हैं जिनको वो कुछ चीज़ों से नवाजते हैं, यू नो हर किसी के साथ नहीं, गुनाहगार लोग हैं बस अल्लाह ताला। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा एक मिरेकल है, ब्लेसिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, आपका एक तो बिलीफ बहुत स्ट्रांग था, दूसरा आप अपने पेरेंट्स के साथ जो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो अल्लाह ताला भी उनको उनके लिए बचा के रखते हैं ना, पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट। और अल्लाह ताला ने, मैं बताऊँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने वालिद साहब के भी, मेरे वालिद साहब इसी साल अप्रैल में उनका इंतकाल हुआ कोविड की वजह से, लेकिन मेरा उनके साथ जो रिलेशन था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं उनकी हस्ब तौफीक, कभी हक तो अदा नहीं होता लेकिन करूँ, और मेरे बहुत दुआएं देते थे मुझसे। आज भी उनका ताल्लुक ऐसा है, मैं रोज जाती हूँ उनकी कब्र पे भी, उनसे बातें करती हूँ। और मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको हयात दे, सुतेले सगे का रिश्ते का भी ना हमने ये बनाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, वो भी बहुत दुआएं देती हैं। आई एम वेरी लकी क्या हमारे शो में आए, लोगों को बताया कि जिसको रब रखे उसको कौन चखे। बिल्कुल। तो मतलब नाज़रीन इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं ये सेगमेंट ख़त्म करना चाहूँगी और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ठीक मैम, जो नेक्स्ट सेगमेंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, इससे मैं इस सेगमेंट को एक लर्निंग सेगमेंट कहती हूँ, और ये बड़ा चैलेंजिंग सा सेगमेंट है। इसमें मतलब ये कि हम ऐसा कोई ना कोई मिथ या स्टीरियोटाइप या एक जो नैरो माइंडेड थिंकिंग है वो चेंज करते हैं। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी इंजीनियर, और कोई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो आईटी एक्सपर्ट बने, लेकिन कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अपने बच्चे को पॉलिटिशियन बनाना चाहता हूँ। हालांकि मैं तुम्हें बताऊँ, पॉलिटिशियन सब बनना चाहते हैं, लेकिन जो है ना कहते हुए इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, करते भी हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के, और फिर वो चाहते हैं कि नस्लों दर नस्ल चले, लेकिन मैं समझती हूँ पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। आई वॉन्ट देम टू से ना कि हाँ, आई वॉन्ट टू सी माई चाइल्ड एज अ पॉलिटिकल लीडर। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चे जो है वो कोई पॉलिटिक्स में जरूर आए और अपने समाशे को, इस मुल्क को कंट्रीब्यूट करें एज ए पॉलिटिक्स में आके। आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करूंगी। तो लेकिन आप अब इस सेगमेंट में आप, मैं चाहती हूँ पर्टिकुलरली आप ये बताएं कि पॉलिटिक्स या सियासत के साथ ऐसा कौन सा स्टीरियोटाइप अटैच है जो आज आप ब्रेक करना चाहती हैं? करप्शन। पॉलिटिक्स आर करप्ट, आप ये लिख के ब्रेक करेंगे? मुझे नहीं है। हाँ तो चलिए फिर आप ये मैसेज लिखें, फिर आपने कैमरे को दिखाना है लोगों को, फिर बताना है। नाज़रीन देखें ये कैसे कैसे हर फील्ड के लोग हैं, उनके अलग अलग से उन शोबों के साथ, उन प्रोफेशंस के साथ और उनके काम के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स हैं। जेंडर के साथ तो हैं ही, डिसेबिलिटी के साथ भी है। सबसे मज़े की बात है हम बड़े डाइवर्स से शो करते हैं ना, तो स्टीरियोटाइप्स भी बड़े डाइवर्स से आते हैं। हाँ सही है। हाँ ये देखें, ठीक है ये हो गया। नाज़रीन सारे पॉलिटिशियंस जो उनसे हैं वो करप्ट नहीं है, कुछ तो होते हैं, कुछ है, कुछ होते हैं। हाँ इसका मतलब मार्जिन है। देखो ना हर माशरे में हर चीज, डॉक्टर भी करप्ट होते हैं, लॉयर्स भी करप्ट होते हैं, टीचर्स भी करप्ट होते हैं, यू नेम इट, हर हर जगह पे, मतलब यू कैन नॉट जनरलाइज, ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट होते हैं, व्हाई इज ऑलवेज पॉलिटिशियन एक ज्यादा देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं, ज्यादा फायदा वो उठाते हैं पॉलिटिशियंस माजरत के साथ। फ्रेंड्स ये सुन ले हम, और मेरी बात सुने, सबको जनरलाइज नहीं कर देते कि सब भी सब ऐसे हैं। तो नाज़रीन अभी हमने मैम की बहुत फुल ऑफ एडवेंचर कहानी भी सुन ली,
और एक स्टीरियोटाइप भी हमने ब्रेक कर दिया कि भाई सबको करप्ट नहीं समझना, टाइम हुआ जाता है फन टाइम का। तो फन टाइम में मैम हमारे पास डिफरेंट फन सेगमेंट्स होते हैं, तो आइए देखते हैं कि आपके साथ कौन सा फन सेगमेंट निकलता है, कौन सी फन एक्टिविटी निकलती है। चलो जी, ये मैम का सेगमेंट है चलते चलते। तो अब सीरियस बातें तो बहुत हो गई हैं, तो चले थोड़ी सी फन एक्टिविटी भी हो जाए। जरूर, और मैम के साथ तो वैसे भी मैम सादिया को देखकर, सादिया जी को देखकर एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। मुझे लगता है वो हमेशा फन में रहती हैं, जितनी भी टफ और ऐसे सोशल अक्सर बड़े सोशल इश्यूज हो रहे होते हैं, बड़े हंस के मुस्कुरा के बड़े प्यार से जवाब दे देती हैं मैम। तो अच्छा, फन एक्टिविटी में चलते चलते निकला है, तो अब जी सेगमेंट बड़े मजे का है। आप एक लिफ्ट में बैठी हैं, ठीक है, इस लिफ्ट के 5 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर में एक बंदा आपके साथ आएगा और एक बंदा निकलेगा वहां से, बंदा या बंदी जो भी है। तो आपने, आपके पास एक मिनट है, आपने उन्हें, उनसे कोई बात करनी है या उनको कोई मैसेज देना है, ठीक तो है। मैं आपको नाम बताऊंगी, मैंने मैसेज बताना है, आपने बताना है, और ठीक है, आर यू रेडी? रेडी। अच्छा जी, चलें जी, अब लिफ्ट स्टार्ट होने लगी है और अब लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर आई हैं मरियम नवाज। ओहो, उन्हें यही कहूँगी कि बीबी बस कर, अल्लाह अल्लाह करो, बैठ, तेरे बस की बात सियासत नहीं है। ठीक है, ये आप उनको मतलब कह रही हैं कि जरा, हाँ सियासत उनकी बस की बात। अच्छा। है। चलिए, हम मरियम नवाज जा रही हैं, बाय बाय कहते हुए, बड़ी सैड हैं आपका। अच्छा। मैसेज सुनने के बाद अब बटन प्रेस करते हैं, चले चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। अब आ गया जी सेकंड फ्लोर, अब आ गए हैं अलीम खान। अलीम खान, अलीम खान आ गए जिनके साथ काफी फड्डे भी हो चुके हैं। लेकिन अलीम से भी कहूंगी, वो मेरा, पहले हमारी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, अब दोस्त बन गया। अलीम से कहूंगी अपनी मिनिस्ट्री पे जोर दो, जरा अच्छे से काम करो, तुम कर सकते हो, आई कैन, यू कैन डू इट। ठीक है, ठीक है। अलीम साहब वो कहते हुए चले गए, मुझे पता है बीबी मैं बड़ा अच्छा काम करता हूँ। उनको बाय बाय करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरह। ओहो, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बंदी आ रही है लेफ्ट में, मीरा जी आ रही हैं। ओह, मीरा जी आ गए लिफ्ट में। बस उनसे कहूंगी कि अंग्रेजी को माफ कर दें खुदा के लिए, उर्दू अपनी जबान और उर्दू पे फखर करें, उर्दू बोलें और अंग्रेजी की माँ बहन एक ना करें। अंग्रेजों के रूप की तरफ थी होगी कि क्या क्या अंग्रेजी, और फिर हमें पता नहीं अपनी जुबान बोलने में क्या शर्म है। मीरा ने कहा मैं अपने फोटोग्राफर से बात करती हूँ, इस चीज़ को कैप्चर करें। मीरा जी तो चली गई हैं, अब आती हैं एक नई सियासी बंदी और फोर्थ फ्लोर है और उनका नाम है उज्मा बुहारी। वैसे तो असेंबली में तो कुलीग है, लेकिन मैं इसको कहूँगी थोड़ी सी तमीज सीख लो, बाकी सब चीज़ें ठीक है। मतलब ये कोई, मतलब वो कहते ना शाह से ज्यादा शाह की वफादारी, कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। उस्मा बुहारी भी चली गई हैं, दो तीन लोग तो नाराज होके गए हैं, दो तीन मोटिवेट भी होके गए हैं। मिक्स रिएक्शन है। पांचवा बंदा नाराज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फिफ्थ फ्लोर है, लास्ट फ्लोर इस लिफ्ट का, और इसी फ्लोर पे ये बिल्डिंग खत्म हो जाती है। अब फिफ्थ पर्सन है अल्ताफ हुसैन। वो तो बेचारे अब काफी बुरे हालात में है, लेकिन मेरा दिल चाहेगा कि मैं उनको फिफ्थ फ्लोर से धक्का दे दूं ताकि दुनिया में ये बुराइयों का बोझ खत्म हो। This is most interesting. नाज़रीन, फन टाइम, मेरे तो चीक बॉन्स में दर्द हो रहे हैं इसके साथ। थैंक यू सो मच इतना फन करवाने का, यहाँ पे खत्म होता है हमारा फन टाइम। फ्रेंड्स, अगर सियासत हो और गॉसिप्स ना हो, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, मज़ा ही नहीं आता, और वो भी चाय के साथ। तो ये चाय वाला सेगमेंट है चास की टाइम। सो मैम, चास की टाइम में हम चाय पियेंगे और मजे मजे की गॉसिप्स करेंगे, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है अब आपको पता है, और चाय तो बनती है। तो मैं चाहूंगी, लेकिन आप बड़े, आप बिल्कुल ठीक से आंसर करें। डोंट वरी, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल आंसर, पॉलिटिकल आंसर्स नहीं होने चाहिए, ब्लंट करूंगी। ठीक है जी, आप सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि जितने काफी सारे पीटीआई के ऐसे जलसे में जहाँ पे खानों में बहुत लड़ाई होती थी,
यू नो खानों में मतलब चीजें जो हैं जलसों में खाने जो हैं उससे लड़ रहे हैं, खाना कामयाब ज्यादा हुआ है, मतलब बहुत सारी वजूहात डिफरेंट जलसों में होती थी। तो सबसे आपको खतरनाक जलसा कौन सा ऐसा यादगार है जो आपको याद हो, जिसे आप जंगली जलसा कह सकते हो? अच्छा वैसे मैं बताऊँ, जलसों में नहीं होता ये वो होता है जब हल्के की इंतखाबी मुहिम होती है ना, हाँ उसमें क्योंकि पार्टी वर्कर्स नहीं आम जनरल पब्लिक आई होती है। वो एक बार था किसी अंदरूनी शहर में कोई था जो अफ्तार थी, ओहो हो मुझे तो लगा कि अफ्तार पे अब मैं ही अफ्तार ना हो जाऊं, भाग के जान बचाई। हजूम एकदम टूट पड़ता ना, उन्होंने खवातीन का अलग रखा हुआ था, उन्होंने कंबल वो जो कनात वगैरह हाँ। होती है वो खेड़ कर सारा उस पर धावा बोल दिया। तो बड़ा मुश्किल से खास तो भी जो ये इंतखाबी जलसे होते हैं ना उसमें पब्लिक होती है, जो पार्टी के जलसे होते हैं उसमें वैसे कभी खाना लेकिन होता मैंने न्यूज़ में देखा खाना होता भी नहीं होता भी नहीं लेकिन वो पीटीआई की न्यूज़ देखी थी कुछ हाँ। कि जलसे हो रहे हैं यार, नाज़रीन देखें कुर्सियां उठा खाने पे टूट पड़े थे, वो ऐसे कुछ इलाकों में होते हैं है ना हाँ। वो थोड़े सारा अंदरूनी जो उनसे विलेजेस टाइप में थे। अच्छा तो ये जलसा था अफ्तार वाला जिसको आप जंगली जलसा कहते हैं, कसूर में था ये। अच्छा खतरनाक। अच्छा मुझे बताएं अगर आपको एक अवार्ड देना हो के झूठा ऑफ द ईयर या झूठी ऑफ द ईयर तो कौन से पॉलिटिशियन को देंगे? मरियम नवाज। माजरत भाई लेकिन है सच। ओ मरियम नवाज से मतलब बड़ा फड्डा शड्डा लगता है उनका। अच्छा आप मुझे बताएं पीटीआई वालों ने इतनी ज्यादा मतलब महंगाई शिकायत में, जब एक आम इंसान को देखते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं मेड्स जो पहले से इन्हीं चीज़ें अफोर्ड कर पाते थे, खाने की चीज़ें महंगी ठीक है और फिर आप ट्रैवल करना है फ्यूल महंगा, बहुत सारे लोगों के पास कन्वेंस नहीं, जब फ्यूल महंगा होता है तो जाहिर बात है लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी तो उनको ऑलरेडी वायलेंस फेस करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता ये बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं सबस बाग दिखाए हुए हैं हमसे वादे किए? नहीं नहीं इससे मैं ये कि माने इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलती और ना मैं पॉलिटिकल बयान, लेकिन आप एक उसकी नजर से देखें ना एक बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं खुद भी सफर करती हूँ, मतलब हमें तो रोज इतना निकल जाना होता है, अब पहले जितने पेट्रोल में हम घूम लेते थे अब उससे डबल ट्रिपल पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह महंगाई है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पेट्रोल की कीमतें वो इंटरनेशनली हाई होती हैं, उसमें हम इंफरादी तौर पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक हम बहुत ज़बरदस्त पैकेज ला रहे हैं, सब्सिडी कार्ड ला रहे हैं 35 लाख फैमिली के, वो लोग जो लोअर इनकम इनकम है उनको या जॉबलेस है उनको भी मिल सकता है, बिल्कुल उनको भी मिलेंगे। लेकिन फिर ये क्राइटेरिया आप लोग बहुत सख्त रख देते हैं। नहीं नहीं इसमें बहुत लीनियंट है, फ्लेक्सिबल है। और अब मैं बताऊं वो जो हमारा जवान कामयाब जवान प्रोग्राम और उसमें हम जो दे रहे थे ना खवातीन को खास तौर पे या ट्रांस के लिए, उसमें उसका अप्लाई करने का तरीका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें मैंने पर्सनली उस्मान डार से मिलके ये रिक्वेस्ट की है कि सबसे पहले तो जेंडर ही नहीं था, मुझे अभी भी याद है, याद है। हमारी एक ट्रांसजेंडर ने अप्लाई करना था, वो कैसे कर्जा लेती है उसमें जेंडर में तो ट्रांस वो भी ऐड करवाया, वो भी बात हुई है और उसके बाद उन्होंने इस चीज को बहुत आसान और इसका क्राइटेरिया को भी कम जरा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने पीटीआई में बेस्ट एक्ट्रेस बतानी है, कौन से सियासतदान बहुत अच्छी एक्टिंग करती है? मेरी पीटीआई में मुश्किल क्वेश्चन, वापस भी जाना है मैंने। नहीं ये तो एक टैलेंट है एक्टिंग करना, यू नो फन। आप तो हमरा में बाबे वो जो साहब का है पूरा बाबे पाकिस्तान। हाँ बाबे पाकिस्तान उसमें अच्छा नहीं हमारे में मतलब एक्टिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से के मतलब बयानबाजी हाँ, मतलब जब स्पीच भी करने जाए तो आपको लगता है कि बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है ये काफी। अभी इन्होंने प्रॉमिस किया था नाजरीन अपनी फ्रेंड को कह देती हूँ वो कुछ नहीं मुझसे लड़ेगी नहीं उस बार मुझे पता मुझसे लड़ेगी नहीं। आई शी इज वेरी स्वीट है ना, बहुत अच्छी और बड़े चीजों को टैकल भी ऐसे कर लेते हैं ऐसे ये बात, लेकिन है कि वो फ्रेंड है ना उसको कह सकती हूं एक्टिंग में मैम आप अच्छी कर लेती हैं ऐसे। नहीं वो बहुत अच्छे ऐसे ह्यूमन बीइंग और फन लविंग है। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बहुत सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं यकसा तालीमी निसाब होना हाँ। चाहिए, आपने भी तालीम पे काफ़ी काम किया मेरे मुझे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ में फीडबैक्स आए तो वो कहते हैं जन्नत जी आप ये सवाल ज़रूर पूछें एक पॉलिटिकल एपिसोड के लिए, उन्होंने कहा ये लोग कहते हैं यकसा तालीमी निसाब होना चाहिए
फिर जितने भी पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके बच्चे तो बाहर जाके पढ़ते हैं। अच्छा नहीं देखो ना, यकसा तालीमी निज़ाम इसलिए ज़रूरी है, अब यहाँ देखो कि हमारे यहाँ जो स्कूल सिस्टम्स हैं अब वो मुख्तलिफ माइंडसेट के साथ बच्चे भेजते हैं। एक स्कूल है बड़ा नामी गिरामी, वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स बन के निकलते हैं, और एक जो है वो इस माइंडसेट के साथ, और जो बेचारे नॉर्मल स्कूलों से वो नहीं बन सकते क्या? वही ना, इसीलिए जब एक जैसा निसाब होगा ना तो हर बच्चा एक जैसी तालीम हासिल करेगा, तो उसके लिए मौके भी एक जैसे होंगे। लेकिन आपको लगता है मौके एक जैसे मिलते हैं? नहीं, शुरू हो चुका है, केपी में ये चौथा साल है, चौथी खेप आ रही है अब इंशाल्लाह, हमने तो उस पर अमल दरामद कर दिया है, तो कहने की बात नहीं, अब तो अमल दरामद हो। लेकिन वो मतलब मेरे कहने का मकसद है, जब तक हम अपने जो जिस तरह बड़े बड़े फेमस लोग हैं, सेलेब्रिटीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम अपने बच्चों को भी वही अगर निसाब पढ़ाएंगे तो एक प्रैक्टिस एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन देखिए ना, असल में बात यह है कि किसी को बच्चे को अपने बच्चे को बाहर भेजता है या वो, उस पर पाबंदी तो नहीं, आम बंदे की तो पाबंदी नहीं लगा सकती। हाँ पॉलिटिकली, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर्स है ना, हाँ लगानी चाहिए। और असूली तौर पर दुनिया में आप जहाँ देखें लोग अपनी यूनियन काउंसिल बेस स्कूल पे लाजिम होता है वहीं पढ़ाएं, वहाँ पे मिनिस्टर का बेटा भी पढ़ता है, चौकीदार का भी। मैं चाहती हूँ कि ये एक सफ में खड़े हो गए महमूद नवाज, जन्नत यकीन मानो यही विजन है इमरान खान का भी, मैं जाती तौर पे भी, मेरा भी यही ख्वाहिश है। लेकिन ये चीजें होंगी, हम एफर्ट पुट किया है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में। आई विश ऐसा हो इंक्लूसिव स्कूल जिसमें आपको डिसेबल भी, ट्रांस भी, पॉलिटिशियन के बच्चे भी नजर आए, एक आम बंदा जो एक कैंप में भी रहते हो या उनके पेरेंट्स मेट हो या लेबर हो, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़े, असल में फिर मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और यही हकीकी रियासत मदीना है जिसका जिक्र इमरान खान करते हैं। और मैं बताऊँ ये इंशाल्लाह ये आएगा ज़रूर, मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, और जिसकी आप ख्वाहिश कर लेना। देखिए चांद पे जाने का भी तो लोगों ने सोचा था, तो हो जाता है, पाकिस्तान बनाने का भी ख्वाब ही था ना, ख्वाहिश हो तो फिर वो उस पे अमल दरामद भी होता है। बड़ा अच्छा थोड़ा सियासी जवाब भी। सियासत में हो और सियासत ना, ये तनाज़े हो नहीं सकता, वो तो फिर आपको पता है। अच्छा मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि आपको आपकी जो टीन एज में प्रपोजल्स आते थे, कोई प्रपोजल इतनी स्ट्रॉन्ग बंदे, और बटनी कहते हैं ना कश्मीरी। अच्छा पता है ये मेरे साथ बड़ा एक था, मेरी बड़ी बहन जो थी ना उसके स्ट्रेट लंबे बाल और बड़ी मशक्की, ये आपके नेचुरल है, ये मेरा ही जरा पैसे लगा, अभी तो खैर वो बात नहीं रही, पहले पतली दुबली, ये वो तो गोरे लुक ज्यादा आती थी, गोरों अभी भी आती है, तो वो माए जो है वो मेरी बहन को पसंद करती थी, लड़के मुझे पसंद करते थे, उनको वो मशरकी बहू चाहिए थी, उनको लगता था कि मैं कोई बड़ी मगरबी होंगी, हालांकि मैं अंदर से बड़ी मशरकी हूँ, लेकिन इतना था कि मेरी शादी पे मुझे लगता था आधा पाकिस्तान योम स्याह मना रहा है। अच्छा तो सबसे ज्यादा आपको कब मजा आया, का आपको प्रपोजल है आपने रिजेक्ट किया जो आपको याद हो? यार मेरे भनोई का एक दोस्त था, वो मुझे बहुत पसंद करता था, उसने 17 बार प्रपोजल भेजा। ओह माय गॉड, ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है ना, गिनीज वालों को बताते हैं गिनीज। तो वो मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ ऑनलाइन के, चले आज सॉरी करने का मौका मिला, दिल दुखाने का। अच्छा लेकिन मैं क्या करती, आपका कौन से हीरो या एक्टर पे क्रश था ड्रामा या? ऐसे मैं बताऊं, मुझे शुरू से इमरान खान एज ए हीरो, क्रिकेट हीरो पसंद थे, और मैंने कभी एक्टर एक्टर से इतना मैं कभी इंप्रेस हुई नहीं। इमरान खान ने सारी चीजें फॉलो किया है, बड़े मॉडर्न से, और वो फिर एकदम से वो इस्लाम में इज द मोस्ट हैंडसम मैन, और मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी, और वो इमरान खान की सिर्फ होते थे पोस्टर्स, और वो ये मुझे पता नहीं था कि कभी जिंदगी में मैं उनकी टीम का हिस्सा होंगी। और आपने पॉलिटिकल ये जो पार्टी ज्वाइन की थी पीटीआई, तो इस वजह से शायद कर लियो कि आपके बड़े, मैं मतलब खान साहब को देखने गई थी, जब उन्होंने बोला ना और बात की तो मुझे ऐसे लगा कि ही इज द राइट मैन, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, सच्चा। प्लान नहीं था आपका? बिलीव मी, कोई प्लान नहीं था। इनकी स्टोरी में देख रही थी, कोई ये बाहर से आई दुबई से, और फिर उन्होंने फॉर्म फिल किया और इस तरह से मेंबर बनी, मेंबर बन गई। देख लें आप पे कितनी रिसर्च हुई है, थैंक यू। 18-19 साल की स्ट्रगल है, और पार्टी का हर ओहदा रखा, और लॉयल 19 साल से, हाँ अल्लाह की शुक्र है,
पहली और आखिरी पार्टी। लॉयल्टी ना हो तो मजा ही नहीं आता। हाँ, लॉयल्टी तो हर चीज में जरूरी है। ये बिल्कुल सही कहा, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रही थी, मुझे दूसरे वाला लफ्ज है। अच्छा तो ठीक है, आपके मतलब आइडियल वो थे। ऐसा कोई गाना जो आजकल बहुत गुनगुनाती हो, या ऐसा कोई एड जो आपको बड़ा पसंद हो? कभी कभी होता है गाना एड तो, हाँ वो दिमाग एड तो ना, एक बेटी वाला है जो बेटी की रुखसती का कोई सीन है। जब से वो बेटी का किया है ना, बेटियां जो होती है ना फिर आप बड़े टची हो जाते हैं इसको लेके। अब तो आप नानो भी बन गई है ना। हाँ माशाल्लाह, दादो नानो दोनों। तो जरा जरा ट्रेंड चेंज हो गया बेटियों से। अब वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, उन्होंने ज्यादा जगह ले ली ना, ज्यादा जगह। और बस, और पता है क्या, एक कम उम्र की शादी का एक फायदा ये होता है, नुकसान बहुत है, मैं उसके खिलाफ खुद बिल लेके आई हूँ, लेकिन ये होता है फायदा कि आप खुद यंग होते हैं तो आपके आगे, मेरी फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों की भी शादियां भी नहीं हुई तो वो मुझे कहती है खबरदार जो तुमने बताया कि तुम नानी दादी हो, लोग कहेंगे पता नहीं हम बड़ी उम्र के। मैं कहती हूं उम्र तो है वो है, लेकिन मुझे कम से कम जिंदगी में उनको देखने का मौका मिल गया, पता नहीं कितनी जिंदगी है। तो मुझे ये वो बहुत ही प्यारे रिलेशन है, बहुत ही प्यारे रिलेशन। अच्छा ऐसा सॉन्ग जो आप, सॉन्ग मुझे वो बहुत पसंद है, वो नहीं है तो जब याद आ रहा था याद सॉन्ग ही भूल जाते हैं। एक तो मुझे जगजीत चित्रा की भी बड़ी वो गजल, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आई एम बाय नेचर आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन, वेरी म्यूजिक की बहुत लवर हूँ। आई हैव सीन यू इन सो मच परफॉर्मिंग आर्ट्स इवेंट्स। तो मुझे कवाली में फिर मैं दरवेश बन जाती हूँ, मैं तो किसी तुम्हें दरगाह पे बैठी मिल सकती हूँ, मतलब मेरा तो ये हाल है। और अगर मूड अच्छा है, बारिश हो रही है, तो रोमांटिक सॉन्ग्स बड़े अच्छे लगते हैं। साथ पकोड़े भी खाती हूँ, चाय भी। आई लव पकोड़ा। तो आपने कहा आप रोमांटिक पर्सन है, तो फिर बारिश होती है तो पकोड़े खाती हैं, और जिस तरह चाय आप पी रहे हैं वैसे भी पीते हैं। बिल्कुल, चाय और पकोड़े और फिर गाने अच्छे गाने। लेकिन अब फिर बहुत कम टाइम मिलता है। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरी वैसे तो मैडम नूर जहां भी बहुत पसंद है, जबरदस्त। और जगजीत चित्रा भी बहुत पसंद है, और मतलब गानों पे डिपेंड करता है। पुराने में मूड पे लता, ये भी बहुत कमाल सिंगर से, तो इनको तो अब जो है मुझे अधिका ज्ञानी भी वैसे एज ए पर्सन भी बहुत अच्छी लगती है। वेरी नाइस, आई रियली लाइक हर। और नसीबो लाल के सुनते हैं कभी कभी? हाँ, नसीबो के पंजाबी फड़कते हुए गाने हैं। अब जितने हमारे नए आए हैं, मतलब जुनैद जमशेद मेरा बड़ा फेवरेट है, पहले उनके तलाने भी जन्नत में, और वो बहुत ही प्यारा इंसान, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सॉफ्ट वॉइस बड़ी उनकी, स्ट्रांग, बहुत प्यारे। नाज़रीन बड़ा मज़ा आया, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चास की टाइम। आपके साथ बात करते हुए तो इतना मज़ा आ रहा है, तो मतलब दिल नहीं कर रहा कि सेगमेंट्स जल्दी जल्दी ख़त्म हो। तो लेकिन अब ये टाइम हुआ जाता है हमारे लास्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है दिल की बात। अच्छा, दिल की बात में मैम आप मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में, समझें आपको दोबारा दो दफ़ा लाइफ भी मिल गई, फिर आपने प्रूव किया कि मतलब डॉक्टर्स ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन आपने एक स्ट्रांग पर्सन बन के दुनिया को, और बीइंग अ वुमन जिसके साथ डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं एज कम्पेयर टू यू नो मेल, तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने आपको स्ट्रेंथ दी, और आपके दिल में ऐसी क्या बात है जिन्होंने आपको आगे से आगे बढ़ाया? मतलब आपने स्टेप बैक नहीं किया, आप माशाल्लाह पहली पीटीआई की एमपीए बनी, फिर आप मतलब पंजाब असेंबली में हैं, फिर आप अलहमरा आर्ट से मतलब बात करें वहाँ पे भी, माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें, ये क्या आपके दिल में ऐसी क्या बात है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है? मेरे ख्याल में दिल में मेरी दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे चलाए रखती हैं और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वह है एक अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान, दूसरा ये कि ज़िंदगी जो है ना किसी मकसद के तहत मिली है, उसमें दुनिया में आए हैं ना, तो हमने सिर्फ ये थोड़ी कि बड़े हो गए शादियां कर ली बच्चे बच्चे कर लिए या कपड़े पहन लिए हो के पास, नहीं ज़िंदगी एक मकसद के साथ है। देखो अल्लाह ने तो एक चुंडी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया, तो ये तो इसको कुछ अपने हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूट करना एक, और दूसरा ये था कि हम जम्मू कश्मीर से माइग्रेट होके आए थे, मेरे फादर बताते होते थे कि जितनी सेक्रीफाइसेस हमारी फैमिली ने दी, और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है ना वो मेरे अब्बा ने घोल के बुला दी थी, तो वो मुझे ये था कि अपने मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए हम बहुत बड़े पाल काम, कोई मदर टेरेसा तो हर कोई नहीं बन सकता, ना ही कोई ईदी साहब अब्दुल सत्तार ईदी बन सकता,
कम लोग होते जो स्टेज तक पहुंचते हैं, लेकिन हम एज ए छोटे लेवल पे जो कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट ज़रूर करें इस माशरे को. यही मेरी एनर्जी थी, यही मेरी सोच थी, और हार नहीं माननी जिंदगी में. मैंने कभी हार नहीं मानी, गिव अप नहीं करना, अपनी कोशिश करते रहना है. मायूसी जो है ना वो सबसे बड़ा गुना है, और मायूस आपको भी मैं समझती हूँ करती है डीमोटिवेट, और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी करती है, नेगेटिव एनर्जी फैलाती है. तो आई बिलीव इन एनर्जीज, तो पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी एनर्जी. अब हम दोनों साथ बैठे हैं, मुझे यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ से मिल रही है, तो एक मिरेकल होता है, पावर होती है, रेवोल्यूशन आते हैं. तो आपने ट्रांसजेंडर्स के साथ माशाल्लाह से, मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे अब आप एक फैमिली मेंबर जैसी लगती हैं, यू नो, बिकॉज़ मुझे आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट टाइम मैंने मैम को देखा था, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे था, उस पर मेरी स्पीच थी, जब मैंने बताया कि मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैम आई, बड़ा अप्रिशिएट किया. तो मैम ये 3 साल के जर्नी में आपको क्या लगता है कि आपने क्या रोल प्ले किया ट्रांस के लिए और क्या करना चाहेंगी? अच्छा, पता क्या, ये चीज़ शुरू से एक दिल में भी होती है. मैंने हमेशा से बचपन से भी, जब लोग जिस तरह एक मिथ थी और लोग ट्रांस को एज ए मजाक की सूरत में लेते थे, मजाक उड़ाना, ये करना, मुझे हमेशा से ये बात ना बहुत ज़्यादा ये ऑडियंस को भी समझ, हाँ, इरिटेट करती थी मुझे बहुत ज़्यादा. देखिए, आप अल्लाह की तख्लीक को चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह ने बनाया ना, किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है. जैसे मर्द और औरत अल्लाह की मखलूक है, सिर्फ ट्रांस भी, और उनमें कोई कमी पेशी नहीं होती है, वो एक कम्प्लीट इंसान होते हैं, उनके पास भी वो दिल होता है, ऐसा साथ होते हैं, बस उसको समझने की, हैंडल करने की ज़रूरत है. हम लोगों की इतना माशरे में ये इतना बड़ा था कि हमने मजाक बना लिया, ये चीज़ें आप बना के देखें ना, आप इसका मतलब है कुदरत की तख्लीक का मजाक उड़ा रहे हैं. तो हाँ, मैंने दुनिया में देखा है लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, वैसी लाइफ गुजारते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है. और सबसे बड़ी, मैं तो पहले फैमिलीज को कहना चाहूँगी, सबसे पहले फैमिली डिसओन करती है अपने ट्रांस बच्चे को, तो ये क्यों भाई, वो आपकी औलाद नहीं है, उसके दिल में, उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं है, ये कैसी तफरीक है. तो मैं समझती हूँ इस चीज़ से ये तकलीफ मुझे हमेशा देती थी, लेकिन मुझे खुशी ये है जन्नत, खास तौर पे तुम्हें देखकर, जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रगल करते देखा, फिर ग्रो करते देखा, माशाल्लाह देखो तुम भी तो हसीन थे, ओ हर पढ़ी लिखी हो, तुमने तालीम के लिए भी कितनी स्ट्रगल की होगी. आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, लेकिन तुमने हार नहीं मानी ना, उम्मीद पे लगी रही. आपके वाली बात मुझे याद आती है, अल्लाह ने तुम्हें कामयाब किया, मायूस नहीं होना बिल्कुल, और मायूस ही तुमने नहीं अपने ऊपर तारी होने दी, तुम मकाम पे पहुंची हो. इसी तरह मेरी अपने दूसरे ट्रांस कम्युनिटी से गुजारिश है कि खुदा के लिए खुद को सस्ता, जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे ना, कोई नहीं करेगा. माशरे में अपनी इज्जत पहले खुद करनी पड़ती है. आप ना किसी से कम है, चेंज ना खुद से आते हैं, खुद चेंज भी अपनी शख्सियत पे चेंज लाएं, अपनी प्रैक्टिकली वो बने आप. और दूसरा ये कि मुझे ये फख्र है कि मेरी गवर्नमेंट, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा CM, वो ये विजन रखता है. उसने ट्रांस के हकूक के लिए जितना इस बार काम हुआ है और लेजिस्लेशन हुई है, आई विश पंजाब से पास हो, हम इतने सालों से लगे हैं. नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो होगा भी. और इसके लिए आपके हवाले से आपकी आइडेंटिटी को लोग ना सिर्फ मानेंगे, आपको वो मकाम भी देंगे जो आप डिजर्व करते हैं. तो मैं तो चाहती हूँ कि आप जैसे लोग हेल्प करें कि ट्रांसजेंडर पॉलिसी मेकिंग में भी हो, उनकी भी एक सीट हो. अब मैंने आपको बताऊँ, मेरी करारदाद असेंबली में, कि मैंने स्पेशल करारदाद दी थी कि असेंबली में एक सीट ट्रांस की और एक डिफरेंटली एबल लोग होते हैं. क्योंकि देखिए, आपके मसाइल मैं कैसे बयान कर सकती हूँ. डिसेबल कम्युनिटी भी डिजर्व करती है और ट्रांस भी, ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये होगा. देखें, आप जिस तरह, मैम आई एम सॉरी टू कट यू, जिस तरह आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ अवेलेबल होते हैं, और ऐसे मौकों पर जहाँ पॉलिसीज, करारदाद पेश की जा रही हो, ट्रांस के बारे में दूसरा बंदा इतने उनके इमोशंस नहीं बयान कर सकता, नहीं बता सकता. और ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में पता ही ना हो, और वो वहाँ पे एक अहम फैसला रुक जाए, मैं कहती हूँ व्हाई नॉट. एक कुछ दिन ऐसा आए कि आपका CM भी एक ट्रांस हो, क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन सकता? इतना शोर मच गया सोशल मीडिया पे कि मैं वजीर आजम बनना चाहती हूँ, वो ट्रॉलिंग और वो मैसेज, क्यों नहीं बन सकती? तुम्हें क्या ऐसी सलाहियत है? MBA गोल्ड मेडलिस्ट, माशाल्लाह, तालीम है और गोल्ड मेडल भी है. गोल्ड मेडल है, ज़हीन हो, एक पर्सनालिटी है, बस स्पेस देनी है हमने.
ये होगा और तुम ये देखना होगा क्योंकि बारिश का पहला कतरा, तुम बारिश का पहला कतरा हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारी कम्युनिटी में कितने रास्ते कितने लोगों के लिए खुल रहे। तुमने एक भी सेगमेंट किया कि जो तुमने ट्रांस एक मुंतखब करती हो उसको आइकॉन उसको इंट्रोड्यूस कराती हो पब्लिक में, आई थिंक ये बहुत बड़ा तुम अपने कम्युनिटी के लिए एक एफर्ट पुट कर रही हो। बिकॉज मेरे जो लीडर्स हैं मैं उनको एक्नॉलेज करती हूँ, उनसे मैंने बहुत सीखा है और वो ऐसे थे जिनके पास तो एजुकेशन भी नहीं थी लेकिन एक्सपीरियंस था। आई थिंक उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ और आई थिंक उन्हीं की वजह से उनकी ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही होता है जो लोग अपने मेहरबानों को अपने जो जिन्होंने वो स्टेप पहला फॉरवर्ड किया होता है उनको याद रखते हैं ना, वो तरक्की भी करते हैं और उनके लिए आगे मंजिलें भी आसान होती हैं। रेजिस्टेंस बहुत आती है बट स्टिल आई वेलकम। आपने देखी भी हुई है कुछ मीटिंग्स में ना? बिल्कुल देखी है, हालांकि खवातीन के लिए भी यही सिनेरियो था। लेकिन जब आप एक बार मिशन पे लग जाए तो रास्ते बनते चले, पॉजिटिविटी विंस मुझे लगता है। आज आप दिल की बात सेगमेंट ये है हमारा और गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी हमारे स्पॉन्सर हैं जो इको एक्टिविज्म पे काम कर रहे हैं। इस पे जाने से पहले मैं चाहूंगी आप ये खूबसूरत सी बुकलेट है इसमें खूबसूरत सा मैसेज लिखेंगे और ऑटोग्राफ देंगे। आज आपसे मैं दिल की बात मैं अपनी मर्जी से लिखवाना चाहती हूँ। आज आप एक ऐसा प्रॉमिस करके जाएं कि आप ट्रांस के लिए क्या एक डिफरेंट चीज करेंगी, ठीक है, जो हम आपसे अगले साल पूछ सकते हैं कि मैडम इसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट, ठीक है, आप क्या करना चाहेंगी। मैं जो चाहती हूँ ना, मैं बहुत शिद्दत से चाहती हूँ कि ट्रांस की नुमाइंदगी असेंबली में, और मैं इसी को फोकस करके काम करना चाहती हूँ। That's so sweet. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी नुमाइंदगी फैसला साजी में, पॉलिसी साजी में और कानून साजी में नहीं होगी तो आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम ये आप लिखें और फिर हम अपने लोगों को दिखाते हैं। मेरी जो पैगाम है वो ये है, दिल की बात मेरी जद्दोजहद ये है कि असम्बलियों में ट्रांस की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो फैसला साजी में कानून साजी में अपना किरदार अदा कर सकें और इंशाल्लाह इस पर मैं स्ट्रगल करूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह और हम आपके साथ हैं इस पूरी कोशिश में और हमने साथ चलना है, एक दूसरे के लिए नहीं काम करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है। दिस इज द डिफरेंस इंशाल्लाह। और जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे स्पॉन्सर हैं शिनैंस जो स्विट्जरलैंड और कराची में सारा इनका है, इन्होंने आपके लिए खूबसूरत सा ये गिफ्ट भेजा है मास्क। थैंक यू शिनैंस, बहुत ही खूबसूरत मास्क होगा ये, पहन के रखूंगी वैसे मैं सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए ये जरूरी है, कोविड से बचने का यही तरीका है। और आपको कैसा लगा शो में आके? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक तो ये बहुत डिफरेंट था, दूसरा ये कि तुम इसकी होस्ट इतनी खूबसूरत है, दूसरा ये चीजें आज हम ये इनिशिएटिव देखना ये बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे यकीन माने बड़े शोज बड़े बड़े चैनल्स, लेकिन जो मुझे यहाँ बैठ कर खुशी और एक रियल चीज थी और रियल चीज और मजा आया ना वो शायद ही कहीं आया हो। थैंक यू, इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। और मैं बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ आज का जो इंटरव्यू करने का, मुझे एक अलग सी वाइब्स आई है नाजरीन और स्टोरी भी बहुत डिफरेंट थी। तो आपको हम प्रॉमिस करते थे कि हम एक अलग गेस्ट और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, तो आई थिंक वो आज पूरा हुआ है। इंशाल्लाह इसी तरह हम अगले हफ्ते आएंगे। जाने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं जितने भी स्पॉन्सर्स हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।